हेलो, वेलकम टू अनीताज किचन। आज मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ ब्रेड वेज पॉकेट्स। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, एक छोटी गाजर है इसको भी बारीक चॉप किया, देखिए ये सब इक्वल है। ये मेरे पास ऐसा कटा था जो मैंने इससे कट किया है, अगर ना हो तो ये नाइफ से भी ईजिली कट जाएंगे। ये अनियन है एक छोटा है, ये भी, ये नमक है और ये चिल्ली फ्लेक्स हैं। आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैदा है, ये दो ब्रेड को मैंने मिक्सी में चला लिया, इसके क्रम्स बना लिए, फ्रेश है ये। 6 ब्रेड स्लाइस लिए, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन या मल्टीग्रेन। ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चिल्ली है और ये तलने के लिए तेल है। चलिए सबसे पहले हम इन वेजी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें बिल्कुल हल्का सा मैं ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब। इसको गरम होने दूंगी, तेज गरम में हमने इसको करना है, हमने इसको क्रंची रखना वेजी को, इसलिए हम स्लो नहीं करेंगे इसको। देखिए तेल अच्छे से हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, इसको हल्का सा हम कलर चेंज करने तक भूनेंगे। गैस को मैंने हाई रखा हुआ है, बस 2 मिनट ही हम इसको, जरा इसकी स्मेल खत्म हो जाए जब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए दो मिनट हो चुके हैं, अब ये इसमें मैं गाजर डाल दूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी और ये साथ साथ शिमला मिर्च भी। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको आपने सौते करना है तेज पे, क्रंची बनी रहनी चाहिए सब्जियों को। देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये क्रंची है अभी हमारी। इसमें हम ये 1/2 चम्मच ये सॉल्ट डालेंगे, देखिए ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स डाल लिया, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस, बस, और ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट। 2 मिनट के करीब हम इसको भूनेंगे, बस उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे किसी बर्तन में निकाल के। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए ये हमने गैस को कर दिया ऑफ, अब हम ये किसी बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम यहाँ पे पानी चढ़ा देते हैं। ये मैंने 1/2 भगोना पानी लिया है, इसको बताती हूँ मैंने किस लिए लिया है। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, इधर पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। पहले जब तक ये गर्म हो रहा है आइए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम ब्रेड को लेंगे और उसके हम साइड्स को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से, इसके साइड सारे हमने निकाल देना। ब्रेड हमने बहुत सॉफ्ट लेनी है, ये ब्रेड क्रम्स के लिए तैयार हो जाते हैं साइड्स इसके, इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है आपने। ब्रेड रोल में भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, तरीके से हम सारी ब्रेड को तैयार कर लेंगे। देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया है, इसके ऊपर हम एक छलनी ढक देते हैं। अच्छा तेज बॉयल हुआ है हमारा पानी और इसको हल्का सा हम ग्रीस कर देते हैं, बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से। और इस पे हम ये ब्रेड रखेंगे, जितनी आपकी इजीली आ जाए, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी इस पे रखने से। और इतनी देर हम थोड़ी सी मैदा घोल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको घोलिए इस तरीके से। थोड़ा ये पतला ही रहना चाहिए, गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, पानी आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब आप और पानी डाल सकते हैं इसमें, ये देखिए
इतना पतला हमें घोल तैयार करना है इसके लिए। चलिए ब्रेड एक तरफ से सीख गई है, हम इसको टर्न कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी हम ऐसे सीखेंगे। देखिए इस तरीके से 2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं और दूसरी ब्रेड हम इसकी जगह पे रख लेते हैं। बोर्ड पे रख के या चकले पे रख के आप इसको हल्का हल्का बेलेंगे, बहुत सॉफ्ट हो गई और बहुत अच्छे से ये बेलेगी। ये देखिए इस प्रोसीजर से आपकी क्रैक आने के चांसेस नहीं रहेंगे। बिल्कुल लाइट लाइट आपने इसको बेलन को प्रेशर में ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए कितनी पतली हो गई है ब्रेड हमारी, बस इस तरीके की हमने रखनी है। हम सारी ब्रेड्स को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। दूसरी वाली भी हमारी हो गई है, हम इसको उतार लेते हैं और इसकी जगह पे हम दूसरी ब्रेड रख देंगे, इसको टर्न कर लेंगे हम। देखिए ब्रेड हमारी तैयार है, कितनी अच्छी ये बिली है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको लेंगे और ये ब्रश की सहायता से हम ये मैदा को मैंने एक बड़ी प्लेट में ले लिया ताकि ईजी हो जाए, हम इस साइड इसको ग्रीस कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे हम। और ये बैटर जितना आ सके उतना आपको रखना है, 1 या 1.5 चम्मच, मेरे ख्याल 1 चम्मच काफ़ी होगा। इसकी साइड्स पे भी लगा देंगे ताकि खुलने का इसका चांस ना रहे, चारों तरफ हम लगा देंगे और इसको हम रोल करना शुरू करेंगे बहुत टाइटली इस तरीके से। ये देखिए, और ये साइड्स को हम अच्छे से दबा देंगे फिंगर से या फॉक से, आप दबा सकते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेंगे, चारों तरफ से मैदा है तो ये इसको स्टिक कर देगा अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी है। ऐसे हम और भी बना लेंगे, चारों तरफ हमने इसको मैदा के घोल को लगा लेना है इस तरीके से। और ये एक साइड में हमने 1 चम्मच लेके डालना है, इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे लंबाई में और इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा एंड में और लगा लेंगे ताकि ये जो सूखा है ये ठीक हो जाए, और साइड्स को हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। देखिए अच्छे से प्रेस हो गया, देख सकते हैं आप। डालते वक्त हम एक बार और प्रेस कर लेंगे ताकि खुलने का कोई चांस ही ना रहे। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। देखिए सारे पॉकेट हमारे रेडी हैं, कितने अच्छे बने हैं। इधर हमारा तेल भी गर्म है, हम थोड़ी सी ब्रेड डाल के इसमें से देख लेते हैं, बिल्कुल फूल के बाहर आ गई, इट मीन्स हमारा तेल बिल्कुल ठीक है। हम पहले इसको थोड़ा सा कम गर्म करेंगे, तेज करेंगे और उसके बाद स्लो कर लेंगे। अब हम एक पॉकेट लेंगे, इसे फिर हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर ये मैदा लगाएंगे दोनों साइड। इसलिए मैंने खुले में लिया था ताकि ईजी हो लगाने के लिए। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरीके से लपेट देंगे अच्छे से चारों तरफ, और इसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे ताकि ब्रेड क्रम इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और हम इसे कढ़ाई में डालेंगे, उतने ही डालेंगे जितने एक बार में आ जाए। गैस को मैंने मीडियम टू स्लो ही रखा हुआ है। इसी तरह मैं दूसरा भी लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से मैं कोट कर लूँगी इसका, ब्रेड क्रम्स का। और डालते वक्त मैं हल्का सा फिर इसको दबा दूँगी। एक बार में जितने आए उतने कढ़ाई में डालने हैं, मैं 2 डाल रही हूँ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे अच्छे से, ज़्यादा इसको टर्निंग करना। देखिए ये एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं, हम इसको टर्न कर लेते हैं ध्यान से। ये देखिए अच्छे ब्राउन सीके हैं, दूसरे को भी कर लेते हैं। और 2 मिनट के लिए यहाँ से भी हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए दूसरी साइड से भी सीख गए हैं। ये देखिए अब हम इसको ऐसे टेढ़ा करके निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल इसमें ना रहे, और हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। इस तरह मैं दूसरे डालूंगी, वो भी मैं प्रेस करके थोड़ा सा ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए इस तरीके से।
दो दो करके हम सेकेंगे। ये देखिए ये मेरे सारे सीख गए हैं। इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन खाने में इजी हो जाए तो हम इसको ये कट कर लेंगे सेंटर से, किसी भी शेप में आप सीधा या स्लांट में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितने कितने क्रिस्प बने हैं, ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प। सबको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए आपको कट करने की आवाज़ भी आ रही होगी, ये इतने क्रिस्प बने हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप। देखिए ब्रेड वेज पॉकेट हमारे बनके तैयार है। आप भी इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी और बड़ों को भी। कभी भी इसे खाया जा सकता है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।